असम सरकार के अधीन कार्यरत प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अत्यधिक शोर करने वाले पटाखों पर रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पाबंदी लगाई है। सुप्रीम कोर्ट के 2005 के आदेश का पालन करते हुए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ये निर्देश जारी किए हैं। जारी निर्देश द्वारा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अति शोर करने वाले पटाखों के निर्माण, फरोख्त और छोड़ने पर पाबंदी लगाई है। इस सिलसिले में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी बाजार पर कड़ी नजर रखेंगे ताकि विभाग द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन ना हो पाए। इस वर्ष भी पिछले वर्ष के दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है। इस बार भी पटाखों को छोड़ने की अवधि 2 घंटे रखी गई है। इच्छुक लोग रात 8 बजे से 10 बजे के बीच पटाखे छोड़ सकते हैं। विभाग द्वारा केवल ग्रीन पटाखों के फरोख्त की अनुमति दी गई है। आपको बता दें कि दीपावली भारतीय समाज का अति प्राचीन और गहरी आस्था वाला त्योहार है। इस त्योहार संग अनेक पौराणिक कथाएं जुड़ी हैं। भारतीय जनमानस का उदार स्वभाव हर त्योहार का विशेष रंग होता है। ये आस लगाई जा सकती है कि भारतीय समाज के लोग अपनी उदारता के रंग से इस बंदिश भरी दिवाली को और भी आकर्षक बना डालेंगे। इस बार का बाज़ार उतना खास नहीं है। लास्ट 2 ईयर से आपको जो कोरोना का मारामारी था उसमें तो हैम्पर गिरा ही है बिजनेस में। अभी इस साल भी थोड़ा बहुत हैम्पर गिरा हुआ है। इस बार कोरोना नहीं है मगर रेट को लेकर बहुत ज़्यादा हैम्पर गिरा हुआ है। जो कंपनी से जो रेट लग के आया हुआ उसमें तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ ही है। यहाँ पर आने के बाद और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। इस वजह से थोड़ा बहुत इस साल कस्टमर लोग कम हैं। बिक रहा माल बिक रहा है लेकिन फिर भी जिस हिसाब से फॉलो होना चाहिए इस हिसाब से फॉलो नहीं है कस्टमर लोग का। और जो टाइमिंग भी जो दिया हुआ टाइमिंग को भी लेके थोड़ा सा प्रॉब्लम इशू आ रहा है कि जो लोग भी आ रहे हैं पटाखा लेने के लिए उन लोग का कहना यही है कि इसमें जो टाइमिंग हम लोग को जो मिला हुआ है हम लोग रात में 10 बजे के बाद फिर फोड़ नहीं पाएंगे। इस वजह से थोड़ा सा उसके लिए भी प्रॉब्लम हो रहा है कि हम लोग अगर पटाखा लेके जाएंगे तो हम लोग फुटाएंगे कैसे। गवर्नमेंट जो सर्कुलर दिया हुआ है उस हिसाब से तो हमको फुटाना पड़ेगा। इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है टाइमिंग को भी लेके। अगर वो सब टाइमिंग नहीं मिलता तो इंसान रात भर जो पटाखा फोड़ते हैं उन लोग फोड़ते अच्छा लगता है उन लोग को क्योंकि ये तो दीपावली तो पूरा रात भर उन लोग सेलिब्रेट करते हैं। जितना रात होता है उतना उन लोग सेलिब्रेट करते हैं मगर रात को तो सेलिब्रेट करने का मौका ही नहीं मिल रहा है। ये सब लेके थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है लेकिन फिर भी माल बिक रहा है कोई दिक्कत नहीं है। और रेट तो बहुत काफ़ी हाई इंक्रीज़ हो के रखा हुआ इस साल। रेट को लेके भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। देखते हैं क्या होता है। अभी और 2 दिन और बचा हुआ है। उम्मीद यही करता हूँ कि सबको टाइमिंग यहाँ पे सुना हूँ कि 10 बजे के बाद तक फुटाने के लिए कोई इशू नहीं। 10 बजे से सुबह 6 बजे तक आप पटाखा नहीं फोड़ सकते हैं ऐसा सर्कुलर पास होके रखा हुआ है। ऐसा सर्कुलर पास होने से तो थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ गया है लेकिन फिर भी अभी जो लोग हैं वो तो अपना सेलिब्रेट तो करेंगे ही। उसी में थोड़ा सा रूल रेगुलेशन को फॉलो करके लोग काम फुटाएंगे लोग। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट असम आदित्य।